शुरुआत की थी। मैं इन्हों का धन्यवाद करदा इस कंपनी का। और दूसरा इत्थे 5-1 बैड असी जिहड़े ऑक्सीजन दिंदे है जी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो असी दे रहे हैं। सानू एक मंडी गोविंदगढ़ की कंपनी है, माधव कंपनी है, वो दे रहे हैं पासों लई 5 बैड ते 5 बैड ही नाभे लई दे रहे हैं। वो भी अज असी शुरुआत कर रहे हैं ता कि औखे विपता दे टाइम लोगों ने इधर उधर भटकना ना पवे, जो कोई रब ना करे ऐसी गल आ इत्थे उत्थे उहदा साधन हो सके। और मेरी कोशिश है कि वो जिहड़े लगाने ने असी जंतर उन्होंने कल्ले कल्ले लहदा लहदा कमरे च असी कोशिश करते हैं जां दो तो वध ना होण, ते नहीं तां एक दूजे नूं देख के मरीज घबराई जांदे। मंत्री साहब, जिस तरह वैक्सीन नूं लैके पूरे देश दे विच लग रहा भी काफ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी खिंचाई की केंद्र सरकार की जी, कदों तक वैक्सीन पूरी होएगी की कितने ढिल केंद्र सरकार? ये तो मोदी साहब ही दस सकते हैं, जे ढिल ना होंगी ता सुप्रीम कोर्ट ना इस आदेश जारी करते, उन्हां दी ढिल मठ कारण ही सुप्रीम कोर्ट नूं दखल देना पिया। और मोदी साहब नूं चाहीदा कि रैलियां रूलियां नूं छड्ड के, चोणां नूं छड्ड के हुण देश दे लोकां दा ध्यान रखण। तहसीलदार ते डीएसपी नौकरी नूं लैके सियासत गरम आ रही आ, कबीर बादल कहिंदे कैप्टन साहब आपदी कुर्सी नूं बचाउण लई सब कुछ कर रहे। मेरी गल सुणो, कहिंदा छज दा बोले छाल नहीं बोले, वो बंदे जिन्हां ने पंजाब नूं लुट के खा लिया यारो, बेअदबियां तक नहीं बख्शिया पंजाब नूं, वो किहड़े मूँह नाल बोलते ने? उन्होंने जे जिस सुखबीर बादल MLA के बंदे की नौकरी करते तो किसी असूल से होएगी? मैनू नहीं पता किवें होएगी। जे एक अतवादियों ने, देश धरोही लोगों ने एक बंदे गोलियां मार के मारता, वो औलाद में कोई नौकरी देती कोई माड़ी गल? देश लई मरे ने, इन्होंने किहड़े देश लई लड़े ने? बादल साहब मुख्यमंत्री, उहदा बेटा सी डिप्टी मुख्यमंत्री, उहदा बेटा ही फिर पार्टी का प्रधान, जवाई उहदा मिनिस्टर, फिर उहदी नूह सारयां नूं छड्ड के सेंटर च मिनिस्टर, वो मुंडे दा साला मिनिस्टर, उहदा पणवैया मिनिस्टर, किहदी किहदी गल करोगे? वह बंदे बोल रहे ने जिन्हां लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह उहनां नूं नौकरी दे रहा है, जिवें लुधियाणे दे विच जोगिंदरपाल पांडे उह जो सिखां दे विच जदों गुरद्वारा पिंडां चों कढ के बसां चों कढ के लोगों नूं मार रहे सी, एक तरफे दिन अतवादी, उस टाइम जोगिंदरपाल पांडे साबका मिनिस्टर MP का गोलियां मार के कतल होया सी, ते उस शहीद के बच्चे नूं जे नौकरी दिती है ते अज शहीद का इन्हें ये अपमान कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह सम्मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, क्यों क्यों उन्हें किसी नूं देखो शाबाश तो देनी पड़ेगी ना। जिहड़ा देश लई मरदा है, जिहड़ा देश लई मरदा ना, कोई किसी परिवार लई भी कुछ करदे परिवार वाला हमेशा याद रखता, नहीं तो देश लई कौन मरेगा? वो तुसी याद रखो, शायद तुसी तां छोटे होवोगे, असी भी छोटे सीगे, पर उदों बसां चों लाह के जदों कंधा नाल खड़े करके लोग मारदे सी ना, गोलियां नाल भुन दिंदे सी, उदों आवाज़ उठाउणी पैंदी सी, उहनूं गोलियां झलनियां पैंदियां, उहनां नूं गोलियां खाधियां, देश लई खाधियां। कांग्रेस दे क्लेश तों बाद किसी देखो गैर कानूनी कोई नौकरी नहीं दित्ती, गैर कानूनी कोई नौकरी नहीं दी है, जिवें बादल नहीं दिंदे। नौकरी कदों मिलेगी सर? सरकारी नौकरी तो मिल रही है, 1 लाख नौकरी हुण फटाफट रख रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू सवाल चक रहे ने सरकार से, उन्होंने ये हर घर च हर तरह के बंदे होंगे ने, मैं किसी को कुछ नहीं कहना, हर घर च हर तरह के बंदे, जिस तरह उन्होंने बेअदबी के दोषियों को सजा देने लगे, बिल्कुल मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सिद्धू साहब बहुत अच्छे बंदे ने, लेकिन ये चंगा होंगे जदों अकाली दल के नाल सी, वह जदों बेअदबी हुई है, उन्हां दे घर वाली मिनिस्टर सी, मैं अजे उन्हां दे खिलाफ़ नहीं बोलना चाहुंदा, गल इह है उन्हां नूं उदों आवाज़ चक्की हुंदी ते अज इह ना कहना पैंदा, उदों तां बैठे रहे मैंबर पार्लीमेंट सी, इहदे घर वाली मिनिस्टर सी, एक दिन नहीं कहा उदों, ते अज बहुत छेती याद आ रहे। बेअदबी नूं लैके सरजीत मान ने कहा ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਚੱਡਿਆਂ ਚੁੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਡਾ ਵਾਹੇ ਚੱਡਾ। ਸਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰ ਉੱਥੇ? ਹੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ।
ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਕਲੇਸ਼ 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 ਕਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੀ ਬੱਸ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਰੁਪਈਆ 51,000 ਰੁਪਈਆ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਘੱਟ ਬਣੀ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2022 ਚ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਕਹਿ ਅੱਜ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡੇਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।